हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 सबसे पहले मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवमंडल श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीलमान श्री महाराज के चरण कमलों में अनंत करो अष्टम दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त सन्यासीबिंद मातृबिंद गौरगत सज्जनबिंद हरिकथा पिपासु शत्रुबिंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथाजथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हुआ। समय तो चला ही गया, मेरे पास समय बहुत कम होता है, 8-10 हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ही बोलता हूँ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जिसकी भूख लगते हैं थोड़ा बहुत खा के लेते ही है। अभी अभी अब लोगों ने कृष्ण के अनेकों लीला पाल चरित लीला कथा को श्रवण किया। आज प्रातः काल से ही हम कृष्ण के और राधा जी के अनेक जो है बाल ललित चरित कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कई कहते हैं ये कृष्ण अनेक असुरों को तो मारा कि राधा जी कोई असुर को मारा क्या है, क्या प्रश्न जगते हैं कभी। उस दिन कोई भक्त भी बोल रहे थे, बोले कृष्ण सारे उसमें के राधा जी किसी को नहीं मारा है, किंतु देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मांड पुराण इसमें भी दिखाया गया राधा जी कम नहीं कृष्ण से है। ये भी सुंदर रूप में वर्णन किया, राधा जी जब छोटी थी है राधा जी भी कैसे असुरों की भी दलन के मारा। विशेष करके ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण में ये वर्णन किया गया। छोटी सी कथा करके मैं अपने भक्तों के समाप्त करता हूं। जब माँ कृतिका देवी राधा जी की सेवा आदि करने लगी छोटी सी उस समय, क्योंकि राधा जी के जन्म वृत्तांत तो पुराणों में अनेक प्रकार वर्णन किया, कल्प भेदेश हरि कथा, किसी कल्प में श्रीमती राधिका अंडे से प्रकट हुई, किससे अंडे से प्रकट है ऐसे भी वर्णन है। बहुत लोग कहते हैं ऐसे कहाँ लिखा है, पुराण पढ़ने से पता लगता है, सभी कथा में तो भागवत में तो वर्णन ही नहीं किया गया, अंडे से ही प्रकट हुए, अंडे से प्रकट हुए। किसी कल्प में श्रीमती राधिका जो माँ कृतिका देवी गर्भ से भी जन्म लिया है, कृतिका गर्भजात गर्भजाता भी ऐसे वर्णन किया गया। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुआ, ऐसे अनेक पुराण में ऐसे ऐसे वर्णन किया गया। किसी कल्प में श्रीमती राधिका कमल से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका बरसाना में विश्वभानु खोर से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका रावल में जुगनास और वहीं से प्रकट हुई। ऐसे राधा जी के अनेकों जन्म वृत्तांत कथा शिल
श्रील व्यासदेव जी विभिन्न पुराण में वर्णन किया गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत ऐसे एक दिव्य पुराण है और 18,000 श्लोकों के द्वारा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 7 दिन में कथा सुनाया, वो भी संक्षेप रूप में। किंतु और पुराणों में अनेकों कथा जो है वर्णन किया, जिससे हमारे गोस्वामी वर्ग जो है शिलजीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और सारे टीकाकारों ने विभिन्न पुराणों से लेकर की अनेक कथा को जो है पुष्टिकरण कर दिया है। देखो इसलिए कह रहे हैं, जब राधा जी केवल 1 साल अथवा 1.5 साल की थी और उस समय माँ कृतिका देवी जो है राधा जी को लेकर के जमुना में स्नान करने के लिए स्नान कर रही थी और राधा जी के जमुना के तट पर बैठा दी है। उस समय राधा जी केवल जो है अपने क्या बोलते घुटनों के ऊपर करके सहारा करके मानो कभी कभी चलती है, जिस काम कहते क्या बोलते रिंगन कहा जाता है, क्या बोलते हैं हमागुड़ी बोलते हैं ना, घुटन पर क्रोलिंग क्रोलिंग है ऐसे करते। तो उसमें राधा जी के जो बैठ कर राधा जी बैठे छोटी सी बच्ची जो है लाली जी बैठी हुई है और उस समय कृतिका देवी जो है अपने सखियों के साथ जमुना में जो है स्नान कर रही थी। बहुत सुंदर जमुना की जल, इतने सुंदर स्वच्छ निर्मल जल और उस जल में अपने सखियों के साथ जल विहार आदि कर रही थी और देखते देखते कृतिका देवी जो है जमुना की गहरी पानी में चली गई और इतने समय एक मगर मच्छर जो कोकोडाइल आकर के कृतिका देवी को पकड़ लिया, उनको जगह को पकड़ लिया और पकड़ करके धीरे धीरे गंभीर जल के तरफ ले जाने लगे और देखो उस समय उनके सारे सखियां निस्सहाय होकर के रोदन करने लगी, इतने स्वस्वामी रोदन कर क्या करे कैसे लेकर के आए, हे विश्वभानु महाराज ऐसे करके वे लोग बहुत जोर जोर से रोदन करने लगे। बोलिए उनकी ऐसे रोना देख करके स्वर्ग के देवता लोग भी रोदन करना शुरू कर दिए, किंतु कौन सहायता करे उस समय, उसमें अपने पास में कोई नहीं था और इतने समय श्रीमती राधिका छोटी बच्ची जो है अभी मानो छोटी सी बच्ची गई बच्ची जो देख रही थी और देखते देखते श्रीमती राधिका वहां पर कूद गई और जाकर के वह मगर मच्छर के ऊपर जो है ऐसे विशाल रूप धारण करके, देखो ये चित्रपट में जो दिखाया गया है उसके ऊपर एक विशाल की तलवार लेकर के और उनके जौ के जो है मन क्या बोलते हैं गर्दन कैसे काट दिया है और काट करके फिर अपने माँ कृतिका देवी की जो बाहर लेकर गए और जो इसके पश्चात वो मगर मच्छर जो है शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ करके दिव्य शरीर धारण किया और शरीर धारण करके और राधा जी के परिक्रमा करके बहुत तौब स्तुति आदि करने लगी है। तो उस समय ये प्रश्न करने लगी संग श्रीमती राधिका उनके प्रश्न कर, तुम कौन हो क्यों ऐसे मगर मच्छर धारण किया। तो उसने कहा ये देखो एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक में गए और इंद्रलोक में गए और उस समय एक सुंदर सुंदर जो अस्पराय जो है अस्पराय कहते ना अप्सरा अप्सरा जो है वो इंद्र के साथ बैठी हुई थी, उसके देख करके दुर्वासा ऋषि के मन में कुछ भावना हुई किंतु वो
क्या बोला? अफसर आए, वो उनके तरफ नहीं है, दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं। तब उस समय दुर्वासा ऋषि अभिशाप दे दिया, जाओ तुम मगर मच्छर होकर के जन्म लो। तब उस समय वो अफसर ए क्या बोला, अफसर ने क्या कि तब स्थिति करने के हमें इस मगर मच्छर से हमें कैसे मुक्ति कैसे होगा। तो मगर मच्छर शरीर से उनको उद्धार किया। तो ये सब ये लीला आदि है, ये लोग सब सब सोचने लगे हम लोग ये सपना देख रहे मात्र है, किंतु वास्तव नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं लीलाएं जो है ऐसे मनुष्यवध लीला आदि करते रहते हैं, किंतु ये समस्त सखीगण आकर के जो है और विश्वभानु महाराज के निकट ये सब लीला आदि कथा स्मरण करने लगे, स्मरण के जब वर्णन करने लगे और विश्वभानु महाराज विचार करने लगे कि हमारी छोटी बच्ची जो लाली कैसे ये असुर के कैसे मर सकते हैं। जैसे नंद जसोदा को भी विश्वास नहीं कर सकते, बा कोई ब्रजवासी जैसे विश्वास नहीं करते हैं ये कृष्ण इतने बड़े बड़े असुरों के मार गए, कैसे मार गए। वो असुर तो अपने आप ही मर जाते हैं, पापों के द्वारा अपने आप मर जाते हैं। जैसे गोपियां भी कहती है ये कृष्ण कोई असुर के थोड़ी मार, वो असुर अपने पाप से ही वो मर जाता है। क्योंकि पापी के पाप जब पाप के घड़ा जब भर जाता है और घड़ा अपने आप क्या हो जाता है, फूट जाता है। किंतु बाहर से केवल मात्र उपलक्षण मात्र है। और इसमें तो अनेक कथा जो है हमारे आचार्य पाद ने वर्णन किया गया, ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अनेक पुराण में ये सकल कथा वर्णन है। क्यों राधा जी की महिमा इतनी सुंदर है। यही कहकर मैं अपने वक्तों की हैं पर मैं विराम देता हूँ। आज राधा जी की जन्मस्थली रावल में हम लोग गए और वहीं पर कैसे ऐसे सुंदर लीला कथा हम लोग भी श्रवण किया। ये किस प्रकार राधा जी आंख बंद करके भी जन्म लिया और राधा जी नित्य गोलोक वृंदावन धाम से प्रकट होने के अनेक कारण भी हमारे आचार्य पाद ने भी दिखाया गया है। ये समस्त अनेक पुराण की कथा जो है केवल एक कथा के द्वारा एक लीला के द्वारा नहीं है, अनेक अनेक पुराणों में अनेक अनेक कथा और कल्प में इसमें वर्णन कर दिया। कल्प माने ब्रह्मा के एक दिन के कहा जाता है, एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प में राजनी कितने कितने लीला आदि भी ये समस्त लीला आदि वर्णन किया गया। वंशाग्नि कृपा सिंधु प्रतिदानं पावन भो वैष्णवे भो बोलो राधा रानी की जय, जय श्री राधे। इस प्रकार आज की सभा को